स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एडू ज्ञान। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लें, हमने वहाँ पे इसका लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पिछले वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट टेंस चार तरह के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है आदि। और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका प्रयोग करते हैं हम ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ, एम का प्रयोग करते हैं आई के साथ और आर का प्रयोग करते हैं किसी भी प्लुरल नाउन के साथ। एग्जांपल देख लेते हैं, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट है वे लोग हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग। यहाँ वे लोग प्लुरल है इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, सीता खाना पका रही है, सीता इज़ कुकिंग फूड। यहाँ पर सीता सिंगुलर है इसलिए सीता के साथ इज़ का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, जहाँ पर नॉट या नहीं का प्रयोग हो रहा हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसकी पहचान होती है नहीं रहा हो, नहीं रही हो, नहीं रहे हो आदि। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल है इसका, तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग। यहाँ पे नॉट तीसरे नंबर पर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग। यहाँ पे चिल्ड्रेन प्लुरल है इसलिए चिल्ड्रेन के साथ आर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सीता नहीं जा रही है, सीता इज़ नॉट गोइंग। यहाँ पे सीता सिंगुलर है इसलिए सीता के साथ इज़ का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान होती है क्या, रहा है, रही है, रहे हैं और क्वेश्चन मार्क होता है। रूल होता है इसका इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है इसका, क्या मैं खा रहा हूँ, आंसर होगा एम आई ईटिंग। क्या राम पढ़ रहा है, इज राम रीडिंग, साथ में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। पहचान होता है क्या, नहीं रहा है, नहीं रही है, नहीं रहे हैं और क्वेश्चन मार्क का साइन होता है। रूल होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है इसका, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, आंसर होगा एम आई नॉट ईटिंग। क्या राम नहीं पढ़ रहा है, इज राम नॉट रीडिंग प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का डब्ल्यू एच फैमिली, यानी जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। पहचान है प्रश्न पूछता है और क्वेश्चन मार्क का साइन होता है। रूल होता है इसका व्हाट या फिर व्हेन या फिर व्हाई या फिर वेयर या फिर हाउ, इनमें से कोई भी होगा। इसके साथ एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट रिक्वायरमेंट होगा तो, अगर सब्जेक्ट में नॉट का इस्तेमाल होगा तभी नॉट लगाएंगे वरना नॉट का इस्तेमाल नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है इसका, तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर होगा व्हाट आर यू डूइंग, बहुत ईजी है, सबको पता होगा। राम कहाँ जा रहा है, वेयर इज राम गोइंग प्लस क्वेश्चन। नेक्स्ट होगा सीता कब आ रही है, When is Sita coming plus question mark। इससे अगला है तुम क्यों नहीं आ रहे हो, question mark, तो इसका आंसर होगा Why are you not coming plus question mark का साइन होगा। और इसी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ख़त्म, यानी मेरा काम ख़त्म और आपका काम शुरू, यानी आपका होमवर्क। होमवर्क है आपका, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, वह कब आ रही है, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। और होमवर्क आपको कमेंट के माध्यम से बताना है और जिसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा।
आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।